स्टार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने मैं भी चौकीदार मुहिम को और आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने अपना ट्विटर हैंडल बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपना ट्विटर हैंडल बदल दिया है। अमित शाह ने अपना ट्विटर हैंडल चौकीदार अमित शाह कर दिया है। इसके साथ ही कई मंत्रियों ने भी अपने ट्विटर हैंडल बदलकर चौकीदार लिखना शुरू कर दिया है। मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे जुड़ गए और जानकारी के साथ। ब्रजेश, कांग्रेस का ये पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मैं भी चौकीदार हूं का जो नारा लगाया था, उससे साफ है कि ये 2014 में चाय वाले की जाई पर जिस तरह से भाजपा ने इसका पलटवार किया था और चाय वाला एक बहुत बड़ा कारण बना बीजेपी की सत्ता में आने में, उसी तरह चौकीदार चोर है के नारे के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया, मैं भी चौकीदार हूं। और आज उस खेल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम, अपने ट्विटर नाम को रखा चौकीदार नरेंद्र मोदी। और उनके करने के अगले एक मिनट के अंदर में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने अपने नाम के आगे चौकीदार अमित शाह लिखा है। और अब तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और भाजपा के नेता इस अपने नाम को बदल रहे हैं। इससे साफ है भाजपा की रणनीति है कि यदि करीब 10 करोड़ उनका मानना है कि उनके काडर हैं, तो उनका कहना है यदि आधे से भी कम लोग यदि अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लेते हैं तो ये एक सोशल मीडिया पर एक बेहद ट्रेंड करेगा और एक चौकीदार शब्द को कि मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन को खासी शब्दों के मायने कैसे बदल जाते हैं वो समझा जा सकता है इस खबर से। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश इस जानकारी के लिए।